दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में बिकने वाली सबसे महंगी कार कौन सी है? आजकल के सबसे महंगी कार की कीमत जहां ख़त्म होती है, वहां से ओल्ड क्लासिक कार की कीमत शुरू होती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही 8 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स के बारे में, जिनकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। फरारी 250 सीरीज़ को स्पोर्ट्स कार और ग्रैंड टूरर्स के रूप में 1952 से 1964 तक बनाया जाता था, जिसमें 3 लीटर V12 इंजन लगा होता था। इसे रॉबर्ट बैलन ने म्यूजियम में रखने के इरादे से 18.5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 138 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। अल्फा रोमियो ने इस 8C को असल तौर पर इसे रोड रेस और स्पोर्ट कार तीनों की तरह बनाया था। इसमें सुपरचार्ज्ड स्ट्रेट 8 सिलेंडर इंजन लगाया जाता था, जो कि इसे गजब की स्पीड देता था। इसके कुल 12 मॉडल्स को ही बनाया गया था और इसको 20 मिलियन डॉलर यानी 148 करोड़ रुपए में बेचा गया था। इस जगुआर डी टाइप ने 24 आवर्स ऑफ लेमांस में स्कॉटिश रेसिंग टीम क्यूरी कॉस के साथ मिलकर 3 बार जीत हासिल की थी 1955 से 1957 तक। इसकी बेहतरीन रेसिंग इतिहास के कारण इसको खरीदने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण ये 21.78 मिलियन डॉलर यानी 163 करोड़ रुपए में बिकी थी। फरारी 275 GTBC स्पेशले को खासकर रेस के लिए बनाया था, जिसके वजह से इसके बॉडी को लाइटवेट रखने के लिए इसे अल्मोनियम से बनाया गया था और इसे 26.4 मिलियन डॉलर यानी लगभग 198 करोड़ रुपए में बेचा गया था। लेकिन जब इसके एक मॉडल को यानी फरारी 275 GTB4S स्पाइडर को बेचा गया, जो कि नॉर्थ अमेरिकन रेसिंग टीम द्वारा मॉडिफाइड थी, तब यह 27.5 मिलियन डॉलर यानी कि 206 करोड़ रुपए में बिकी थी। इसको साल 1956 के मिली मिगलिया में रेस करने के लिए बनाया गया था, जिसे उस वक्त युआन मैनुअल फेंजियो चला रहे थे, और इस कार ने उसके बाद और भी रेसेस जीती। इसके सिर्फ 4 मॉडल्स को ही बनाया गया था और इसे 28 मिलियन डॉलर यानी लगभग 210 करोड़ रुपए में बेचा गया था। ये मर्सिडीज की एक इकलौती कार है जो इस टॉप लिस्ट में अपना नाम बना पाई है। ये साल 1954 में जर्मन और स्विस ग्रैंड प्रिक्स के रेस में जीत हासिल की थी, जिसको कि उस वक्त रेसिंग ड्राइवर जुआन मैनुअल फेंजियो चला रहे थे, और इसको जब साल 2013 में एक ऑक्शन में बेचा गया, तब ये 29.6 मिलियन डॉलर यानी 221 करोड़ रुपए में बिकी थी और ये उस समय तक की सबसे महंगी बेचे जाने वाली कार थी। ये फरारी 335 पहले एक प्राइवेट कार कलेक्टर के पास थी 40 सालों तक, जिसको कि साल 1957 में बनाया गया था, और फिर जब इसको साल 2016 में बेचा गया, तब ये 35.7 मिलियन डॉलर यानी 261 करोड़ रुपए में बिकी थी। फरारी 250 GTO के अभी तक कुल 39 मॉडल्स को बनाया गया है, जिसमें से इसके एक मॉडल को साल 2014 में 38 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया था, जिसमें 3 लीटर का V12 इंजन लगा था। ये गाड़ी अपने समय की सबसे बेहतरीन कार्स में से एक है। लेकिन जब इसके एक और मॉडल को ऑक्शन में बेचा गया, तब ये 70 मिलियन डॉलर यानी 523 करोड़ रुपए में बिकी थी, जो कि इसे इतिहास में बेचे जाने वाली अब तक की सबसे महंगी कार बनाती है। दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।